काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवरती अत्यंत गंभीर आरोप केलेला आहे. शेअर बाजारामध्ये देशातील सर्वात मोठा घोटाळा झालेला आहे. एक्झिट पोलच्या दिवशी शेअर मार्केट वाढलं आणि निकालाच्या दिवशी शेअर मार्केट पडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीच लोकांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करायला लावलेली होती. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. 4 जून रोजी काय होणार आहे हे भाजपला माहिती होतं. निवडणुकीचे निकाल काय येणार आहेत हे त्यांना माहिती आहे. आणि त्यानंतर मार्केट पडलं हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असून याची JPC समितीकडून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी राहुल गांधींनी केली आहे. राहुल गांधी यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा मोठा आरोप केला आहे की एक्झिट पोल्स गलत है. उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है. कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है. और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर. प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया. और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोल्स्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है. हम JPC चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है. बघा नीट.